अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे टीका मुर्ग मसाला। यानी ये थोड़ा सा खट्टा होगा और स्पाइसी होगा। तो ये मैंने एक चिकन ली है पूरी और इसे ऐसे बड़े टुकड़ों में काट लिया है। उसमें हम डालेंगे एक लेमन जूस डालेंगे पूरा, थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। और लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून भर के लिया मैंने, और कश्मीरी मिर्चें ये भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, इसमें इतनी मिर्चें नहीं होती हैं तो ये कलर के लिए। और नमक, सॉल्ट डालेंगे हम 1/2 टेबल स्पून। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी आपको। तो यहाँ मैं एक बोल चाहिए, इसमें मैं निकालूंगी ये देखिए जी, ये हमने निकाल लिया। इसके अंदर हम डालेंगे ये मिर्चें, नमक और एक गिलास ले लें, क्योंकि स्पाइसी है ये। स्पाइसी अक्सर हाथों में जलन पैदा करती है, तो एक गिलास ले लें, ये अच्छा है। ये देखिए, इसको हमने अच्छा सा लगा दिया सब तरह सारी चिकन में। मैं इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ देखिए जी, चिकन को 1 घंटा हो गया रखे हुए। अभी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। या मैंने एक बड़ी प्याज लेके मैंने इसे पीस लिया है, ये पेस्ट बना लिया इसका। दही चाहिए 1 कप, प्याज भी 1 ही कप है। हरी मिर्ची चाहिए ये वाली, अगर छोटी वाली मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ ऐसी मिलती हैं बड़ी बड़ी, तो मैंने ये ली है। लेकिन इसको जब भी पूरा पक जाएगी तो मैं बीच में से काट दूंगी। अदरक लहसुन चाहिए मैं कुटा हुआ 2 टेबल स्पून, और इसी हल्दी 1/2 टीस्पून हल्दी, और नमक हम उसमें भी डाल चुके हैं तो हम ग्रेवी में थोड़ा सा डालेंगे नमक। 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर ले लें, और ऑयल जाएगा 1/2 कप। यहाँ देखिए, मैं तेल गरम कर रही हूँ, 1/2 कप डाला मैंने इसमें। और ये मिर्चों को मैंने बीच में से थोड़ा सा ऐसे काट दिया और मैं इसे फ्राई कर लूंगी। इसको हमने 2 मिनट तक लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। देखिए जी, प्याज अच्छा सा भून गई है और उसको हमें गोल्डन नहीं करना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी चिकन। हम इसको भून देंगे। ये देखिए जी, हमने भून लिया है, ये हमने 2 मिनट भुना है। इसमें मैं डालती हूँ अदरक लहसुन, इसे डाल के भून लेंगे, और थोड़ा सा नमक और हल्दी। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से भून लिया है, ऑयल ऊपर आ गया है। मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी ताकि चिकन हमारी गल जाए। इसे दरमियानी आंच में पकाऊंगी, ढक के 5 मिनट, ताकि चिकन हमारी अंदर से गल जाए। ये देखिए, हम इसे 5 मिनट के बाद खोल के देखते हैं। इसे आंच टेस्ट करके धुल लेंगे। और यहां मैंने दही को फेंट लिया है। दही में मैं ये ब्राउन शुगर डाल दूंगी और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। ये देखें, ये अच्छा सा मैंने फेंट लिया है। मैं इसमें डाल दूंगी और मैं इसे मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद अच्छा सा मिक्स कर लूंगी, फिर उसके बाद मैं चूल्हा खोलूंगी।
और मैं इसे भून लूंगी। ये देखिए जी, इसको हमने इतना भुना है कि ऑयल ऊपर आ गया सारा और ये अच्छा सा भुन गया। इसमें मैं डाल दूंगी हरा धनिया। और इसे मैं 2 मिनट दम पे रखूंगी, फिर इसके बाद डिश आउट कर दें। ये देखिए जी, हमने निकाला टीका मुर्ग मसाला। तो ये बहुत मजे का स्पाइसी और अच्छा बना है। स्पाइसी वगैरह आप अपनी मर्जी से डालिएगा अगर कम स्पाइसी खाते हैं। और ये बनाएगा, मुझे बताएगा कैसे लगा। ये मैंने निकाल लिया है और एक लेमन स्लाइस। और ये बनाएगा इसी स्टाइल में, मुझे बताएगा कैसे लगा। मेरा फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिएगा कुकिंग विद सैर सैयद, और वेबसाइट है उसे देखिएगा कुकिंग विद सैर सैयद .com। अच्छा लगे थम्स अप कीजिएगा, कॉमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और ये स्पेशल मैंने ईद के लिए बनाया है, अगर अच्छा लगे तो थम्स अप कीजिएगा और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। और ये बनाएगा और अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।